जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर के दौरान राजस्थान के सिरोही जिले के राजकीय देवनारायण हॉस्टल में रात फूड पॉइजनिंग से 24 छात्राओं को लेकर बेहद ही बुरी खबर सामने निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि दोपहर का खाना बनाने के बाद महिला अचानक से गायब हो गई थी। रात को खाना बनाने के लिए कोई नहीं मिला तो हॉस्टल प्रबंधक ने रात का खाना बाहर से मंगवाया था। रात को छात्राओं को बाहर से मंगवाकर पूड़े और आलू मटर की सब्जी खिलाई गई थी। पूड़े सब्जी खाने के बाद छात्राओं की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। छात्राओं ने जब इस बात की शिकायत मौके पर मौजूद स्टाफ से की तो उन्होंने छात्राओं को रात को आराम करने के लिए कहा गया। सोमवार सुबह तक तबीयत सही नहीं होने के बाद सभी छात्राओं को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और बताया जा रहा है कि अभी तक हालात गंभीर बनी हुई है। इसी दौरान बताया जा रहा है कि 6 छात्राओं की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है, जिनमें से 3 छात्राओं को शिशु रोग वार्ड में भर्ती करने के दौरान इलाज किया जा रहा है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।